आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो आ चुके हैं बिल्कुल से, और चुनाव आयोग की जो टीम है वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे पर है, ये जानने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव तय समय पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड का जो तीसरा वेरिएंट है, जो तीसरी लहर है, उसके आने का भी अनुमान है, और इसके बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव टलेगा या नहीं टलेगा ये देखना अहम है। चुनाव आयोग लगातार जो फीडबैक है वो लेने में लगा हुआ है, लेकिन इसके बीच में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीका ढूंढ लिया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव और रोमांचकारी बनाया जाए और अपने पाले को कैसे मजबूत किया जाए, और इसमें सबसे अहम नाम इस वक्त चर्चाओं में है और वो है पीयूष जैन का, कानपुर वाला पीयूष जैन। देखिए, सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक इवेंट है उनकी संख्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है, चाहे सत्ता दल की बात की जाए या विपक्षियों की बात की जाए। सत्ता दल की तरफ से आए दिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आ रहे हैं, जो शिलान्यास के कार्यक्रम है, जो उद्घाटन के कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं, जनता को तोहफे दिए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आए हुए थे। कानपुर वासियों को आज उन्होंने मेट्रो का तोहफा दिया, 9 किलोमीटर का सफर ये मेट्रो तय करेगी, और करीब 11,076 करोड़ रुपए की ये जो योजना है इसका लाभ कानपुर की जनता आज से उठाना शुरू कर देगी। हालांकि इसके अभी पहले चरण का ही उद्घाटन हुआ है, लेकिन 9 किलोमीटर की इस मेट्रो से कानपुर की जनता को कितना लाभ होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, और इससे बीजेपी को कितना लाभ होगा ये भी समय बताएगा। लेकिन इन सबके बीच में जो क्रेडिट लेने वाला मामला उत्तर प्रदेश में रहता है किसी भी योजना के बारे में कि हमने किया था वो दरअसल आज भी हुआ। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर थी और कुछ और नेताओं की तस्वीर थी, और वो तस्वीर ये जाहिर कर रही थी कि एक समय पर अखिलेश यादव ने नेताओं के साथ मिलकर के कानपुर मेट्रो का जो शिलान्यास था वो किया था, और उस ट्वीट के जरिए ये लिखा गया था कि काम हमारा फीता तुम्हारा काट तुम रहे हो, यानी कानपुर मेट्रो का क्रेडिट भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव में इस समय जो छापेमारी का दौर है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, और सबसे ज्यादा सुर्खियों में पीयूष जैन के यहां जो छापेमारी हुई है वो है, क्योंकि इत्र की महक से देश दुनिया को महकाने वाले पीयूष जैन की दीवाले जब खोदी गई तो वहां से जो अकूत संपत्ति निकली वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बन गई हैं, और इत्र उसमें दब गया है, और अब लगातार राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ये इत्र किसका है, ये पैसा किसका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कानपुर में जब थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ही किया है, और इस विकास से जो विपक्ष है वो काफी बौखलाया परेशान रहता है, और इसी वजह से वो ये कहता है कि ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। लेकिन अब जब कानपुर वाले के यहां इतना पैसा निकला है तो क्यों ये लोग नहीं कह रहे हैं कि वो पैसा भी हमारा है या वो कानपुर वाला व्यक्ति भी हमारा है। उधर दूसरी तरफ हरदोई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार कानपुर के पीयूष जैन के यहां उनके आवास से जो संपत्ति जीएसटी की टीम ने निकाली है वो दरअसल बीती सरकारों का ही लेखा जोखा है जो निकल रहा है, जो कि दीवालों में दबा दिया गया था, और अब उस लेखा जोखा से ये साफ साबित हो रहा है कि बीती सरकारें सिर्फ अपनी जेब भरना जानती थी, जनता के विकास के बारे में उन्हें सोचना समझना नहीं आता था और ना ही आएगा अगर वो सत्ता में आते हैं, तो इसी वजह से हमें 300 सीट जिता दीजिएगा, हम फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में काबिज होना चाहते हैं। 2017 से करप्शन की बयार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, और उसी करप्शन की बयार का ये नतीजा है कि पीयूष जैन जैसे लोगों के घर से इतना इतना पैसा निकल रहा है। तो इस तरह से जो सत्ता दल है वो हमलावर हो रहा है, विपक्षी दल
समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो अखिलेश यादव क्यों चुप रहेंगे? पहले तो एक ट्वीट करके उन्होंने ये बता दिया कि ये मेट्रो वाला काम जो है कानपुर का हमारा है, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया क्योंकि आज वो उन्नाव में अपनी रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे, विजय रथ यात्रा का नवा चरण, और वहां पर उन्होंने ये बात बोली कि दरअसल ये जो व्यापारी है पीयूष जैन, ये कोई और नहीं, ये भाजपा का व्यापारी है और बीजेपी ने अपने ही व्यापारी के यहाँ छापा मरवा दिया है। एक समय आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि आखिर पीयूष जैन कौन है। और अखिलेश ने यह भी कहा है कि अगर सांड़ के हमले से उत्तर प्रदेश में कोई घायल होगा तो समाजवादी पार्टी उसे मुआवजा देगी। अब ये सांड़ वाला मामला क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज की डिबेट में कि आखिर पीयूष जैन पर चर्चा होते होते ये सांड़ वाला मामला क्यों सामने आ गया, और ये क्यों कह दिया अखिलेश यादव ने कि अगर सांड़ के हमले से कोई घायल होता है तो हम उसे मुआवजा देंगे। किसकी तरफ इशारा था, क्या कहना चाह रहे थे? तो ये सब उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उधर आज एक और बड़ा राजनीतिक वाक्या उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिला है, और अब यह असमंजस बन गया है कि आखिर प्रसपा के जो कैंडिडेट्स होंगे वो दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, क्योंकि सपा से उनका गठबंधन हो गया और उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार सपा के गठबंधन से जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो सपा के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज जो स्टूल मिला है प्रसपा को, शिवपाल सिंह यादव को, अब ये सवाल हो गया कि शिवपाल सिंह यादव क्या साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे या स्टूल पर चुनाव लड़ेंगे। ये असमंजस अब बना हुआ है और इस पर क्या क्लेरिफिकेशन आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। और उसके अलावा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने में लगी है, और आज एक लंबी लड़ाई के बाद कांग्रेस ने अपनी जो महिला मैराथन थी वो दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ अन्य जिलों में करवा ही, क्योंकि पहले चरण में इसको पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिली थी, कैंसिल करा दिया गया था, लेकिन एक लड़ाई लड़ी गई और कांग्रेस आखिर इसमें जीत गई और आज उन्होंने मैराथन करवा दी जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां आई हुई थी। लेकिन जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है उससे यह साफ साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दरअसल टू कॉर्नर हो गया है, क्योंकि जब भी बीजेपी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश के मंचों से भाषण देते हैं तो वो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता। और समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव को लेकर कुछ बोल रही है तो वो अन्य विपक्षी दलों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती है, वो बीजेपी के लिए बोलना चाहती है। जनता के दिमाग में भी इस बात को रख दिया गया है पूरी तरीके से कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दरअसल मल्टी कॉर्नर नहीं, सिर्फ टू कॉर्नर बन के रह गया है, आमने सामने की लड़ाई सपा और बीजेपी की। तो क्या उत्तर प्रदेश के ये बाकी राजनीतिक दल इस बार भी उत्तर प्रदेश में कुछ खासा कमाल नहीं कर पाएंगे, और क्या यही दो खेमे राजनीति के, सपा और बीजेपी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए 22 का चुनाव लड़ेंगे? ये सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पीयूष जैन पर इस वक्त आकर टिक गई है, और अब ये कोई नहीं कहने को तैयार है कि आखिर पीयूष जैन किसके थे। कुछ बयान सुनिए, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार पलट रहा है, लगातार अलग अलग तरीके से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, मुद्दे खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं, तर्क वितर्क बयान और बयानों पर पलटवार करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, 22 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, और मौजूदा जो जनता के मुद्दे हैं वो दरअसल कितने दबते जा रहे हैं इन बयानों में, इन सब पर असर पड़ेगा। बयान सुनिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते। ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों,
आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र, उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई भाई अखिलेश को, पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया भाई, किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडे हो रही हैं, तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। हमने जो पीयूष जैन, जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहां अभी भी नोट निकल रहे, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहां, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन क्या छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत करूंगा और एक एक करके आप सबको रूबरू कराऊंगा। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, प्रदीप सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अब्बास हैदर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सुभाष यादव जी राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सत्यजीत जी जुड़े हुए हैं प्रसपा के प्रवक्ता के रूप में। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं शाही साहब आपके पास आना चाहूंगा। आज आप लोगों ने कानपुर को मेट्रो की जो सुविधा है वो दे दी, मेट्रो का तोहफा दे दिया, 9 किलोमीटर ये मेट्रो चलेगी आज से। लेकिन ये क्रेडिट वाला मामला एक बार फिर से फंस गया है, क्योंकि आज सपा की तरफ से ट्वीट कर दिया गया था कि हमारा काम है, और फीता लेके एक बार फिर से आप लोग पहुंच गए हैं वहां पर फीता काटने के लिए। तो ये आप लोग क्यों दूसरे के काम का फीता लगातार काट रहे हैं? दरअसल सपा ने तो फोटो भी डाल दी है आज ट्वीट के जरिए, और ये कहा है कि शिलान्यास हमारा था, काम हमारा था, लेकिन नाम आप अपना कर रहे हैं। मोटरसाइकिल उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र थे। समय माननीय वीर बहादुर सिंह जी जो अब नहीं है, हम लोग बीच में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर को बड़े विकास की सौगात दिया था उन्होंने, एक प्रेक्षागृह बनाया था उन्होंने, शुरुआत कर दिया, पत्थर लगा दिया। पत्थर लगाने के बाद 3-3 फीट 4-4 फीट दीवारें उठ गई, उसके बाद वो काम बंद हो गया। मायावती जी की सरकार आई, उसके बाद भाजपा की भी सरकार आई, उसके बाद बसपा की भी सरकार आई, फिर आई सबकी सरकारें, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जाकर देखिए वहां पर जो है योगी जी की सरकार जब से आई है तब से कितना काम हुआ है। तो अब बहादुर सिंह जी की आत्मा उतर कर नहीं आएगी ऊपर से कि हमने इसका फीता काटा था और मेरा पत्थर लगा हुआ था, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। अगर कानपुर में मेट्रो में सबका पत्थर लगा हुआ था तो इसका मतलब वो परिलक्षित करता है, वो दिखाता है कि अखिलेश जी ने सिर्फ और सिर्फ पत्थर लगवाया और प्रोटोकॉल के तहत वहां के सांसद वहां के विधायक सबका नाम भी है उस पर जिसको उन लोगों ने बताया है। तो भाई आखिर में मेट्रो बनी क्यों नहीं, चली क्यों नहीं? आप कानपुर की बात छोड़ दीजिए, हम लोगों ने तो लखनऊ की मेट्रो जो इन लोगों ने एक स्टेशन पर चलवा कर उद्घाटन करके चले गए थे, ये उसको पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने लखनऊ मेट्रो का किया है। ये सारा जो है एक हम देख रहे थे कि नील आर्मस्ट्रांग जब ऊपर पहुंचा तो वहां देखा समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है, तो वहां अखिलेश जी भी खड़े थे, शायद बुलाया उन्होंने, आइए आइए मुझे पता था आप लोग आने वाले हैं इसलिए हम आपके स्वागत में खड़े थे। तो इन लोगों की बात छोड़ दीजिए, भूल जाइए नितिन जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया है इस पूरे प्रदेश में। अच्छा, ये और आज बौखलाए हुए अखिलेश जी का ट्वीट और बयान आ रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने अगर बनवाना होता तो हवाई अड्डा बनवा दिए होते पूरे प्रदेश में, सैफई में ना बनवाए होते। ठीक है, एक सवाल लीजिए शाही साहब ये कह रहा था पीयूष जैन को लेकर लगातार बयानबाजियां जो है वो आपके नेता भी कर रहे हैं और विपक्षी भी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोगों ने अपने ही व्यापारी के यहाँ छापा मरवा दिया, अगर इतनी बड़ी रकम उनके यहाँ आई है या मिली है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की ही विफलताएं थी। पैसा कहाँ से आया? ट्रेन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, बस के माध्यम से, किस माध्यम से आया उस माध्यम के बारे में जानकारी बीजेपी को होनी चाहिए थी। नहीं, अब ये तो जानकारी एकदम सही कहा उन्होंने, गायत्री प्रजापति के पास पैसा कहाँ से आया इसकी जानकारी उनके पास है। अखिलेश जी की संपत्ति 200% बढ़ी, वो जानकारी उनको है, तो यहाँ भी जानकारी होगी कहाँ से आया। समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यक्ति जो 2016 में भी इत्र अखिलेश जी ने लॉन्च किया था, 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, और ये पिछले अभी कुछ दिन पहले भी इत्र लॉन्च किया, वो व्यापारी अब भाजपा का अगर हो गया तो ये तो भाई सोचने वाली बात है कि पुष्पराज जैन, पीयूष जैन क्यों पड़ोसी है, वो उतना बड़ा पैसा क्यों वहां पर आया, समाजवादी पार्टी को किस तरीके से फंडिंग करते थे, कब कब उन्होंने फंडिंग किया, ये सब जांच में आ जाएगा। ये उसमें घबराए नहीं है अखिलेश जी, अखिलेश जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि समाजवादी इत्र बनाने वाले समाजवादी के पोषक जो है उन लोगों ने 5000 सीसी उस समय दिया था और अब पता नहीं 250 करोड़ भी रखे थे चुनाव में डालने के लिए। ये हम तो कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का पैसा है जो वहां पकड़ा गया है, सरकार ने बहुत सही टाइम पर काम कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब्बास ऐदा हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। अब्बास भाई, ये आज आप लोगों ने एक ट्वीट किया और एक बार फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश की, शाही साहब कह रहे हैं कि आप लोग
अभी नील आर्मस्ट्रांग जब अभी गए थे, मतलब जब गए हुए थे तब उनको वहां पर अखिलेश यादव दिखाई दिए थे, ऐसी कुछ बात अभी उन्होंने अपने बयान में कही, आपने सुना होगा। तो ये क्रेडिट वाला मामला क्या है, क्यों इस तरह से लगातार ये पेच जो है वो फंस जाता है? जब भी बीजेपी कोई भी काम का फीता काटती है तो आप लोग बताते हो कि हमारा ही काम था वो। जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन क्रेडिट लेना भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही शुरू से। हमने तो जो काम किए हैं हम उनकी बात करते हैं, आप हमारे काम का क्रेडिट लेने चले जाते हैं, हम अपना काम गिना रहे हैं। अगर एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की सरकार में पास हुआ, समाजवादी पार्टी ने उसका फंड अलॉट किया, काम शुरू किया। अगर मेट्रो का कानपुर का काम हमने स्टार्ट किया, शिलान्यास हमने किया, डीपीआर हमने बनाया, फंड हमने अलॉट किया, तो अगर आप प्रधानमंत्री जी, अगर आपके अंदर इतनी शालीनता नहीं है, संवैधानिक मूल्यों का इतना सम्मान नहीं करते कि उन नेताओं को भी वहां पे बुलाना चाहिए जिन तीन नेताओं ने खड़े होकर के उसका शिलान्यास किया था, तो अच्छा। कम से कम एक सरकारी मंच को प्रचार का मंच तो मत बनाइए, चुनावी मंच तो ना बनाइए, राजनीतिक बात तो मत करिए सरकारी पैसे से। क्या चुनाव आयोग को ऐसी चीजों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या ये सही है हमारे संवैधानिक मूल्यों के आधार पे? आप सरकारों पे तंज कस रहे हैं। आप मुझे ये गिना दें कि आपने क्या काम किए। अखिलेश यादव जी तो एक विजनरी नेता है, उनके पास सोच है, उन्होंने जो काम शुरू किया आप उन्हीं काम को फीता काट रहे हैं, उनको ही आगे बढ़ा रहे हैं। आपने काम क्या किया, आपने क्या शुरू किया जिसको खत्म किया, आप ये गिना दें, बस मैं मान जाऊं। आज उत्तर प्रदेश नहीं तो आप लोग की दिक्कत क्या है? आप लोग की दिक्कत यही है कि मंच पे नहीं बुलाते, ये वाली दिक्कत है कि काम वाली दिक्कत है? देखिए हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे काम का फीता काट रहे हैं, काटिए, लेकिन सरकारी मंच पे जब आप कहते हैं कि भाई पिछली सरकारों ने क्या किया, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, सरकार आपकी है केंद्र से लेकर राज्य तक, हम आपसे पूछ रहे हैं आपने क्या किया। ये नहीं गिना पाएंगे इन्होंने कौन सा काम शुरू किया और इन्होंने पूरा किया, एक काम ये नहीं गिना पाएंगे जो इन्हें इनके समय में हुआ हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, जो भी काम थे समाजवादी पार्टी के समय के काम थे। 5 साल में सरकार को तो सिर्फ पीछे ढकेला है। अगर उत्तर प्रदेश किसी चीज में आगे है तो वो भ्रष्टाचार में आगे आज की डेट में। अगर उत्तर प्रदेश किसी चीज में आगे है तो वो हत्याओं में आगे, महिलाओं के प्रति अपराध में आगे है। उत्तर प्रदेश को ये ढकेलते जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रहे थे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? 400 रुपए इन्होंने MSP देने का वादा किया था गन्ने का, क्या इन्होंने दिया? इन्होंने सिर्फ झूठे वादे करके जनता को ठगा है, लेकिन जनता अब इनको समझ चुकी है, अब इनको 2022 के चुनाव में जनता घर बैठाने जा रही है। अच्छा ये पीयूष जैन वाला क्या मामला है? ये बीजेपी बार बार क्यों कह रही है कि आप ही लोग का वो आदमी है जिसके यहाँ से ये पैसा निकल रहा है? अभी 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 ये तस्वीरें सामने आ गई किस तरह से पीयूष जैन ने भारतीय जनता पार्टी का, या पूरे पूरे अखबार पे फ्रंट पेज पे ये बड़ा बड़ा ऐड देते थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, तब ये दूसरी पार्टी के हो सकते हैं? हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है भाई, आपकी गलती है। हम तो कह रहे हैं, हमने तो मांग करी कि आप CDR लाए, उनकी रिकॉर्ड सामने लाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसका आदमी है पीयूष जैन, किसके लिए वो काम कर रहे थे, क्यों छापा पड़ा, ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। कितना चंदा नहीं दे पाए, सब चीजें सामने आनी चाहिए, जनता के सामने रखिए आप, सरकार आपकी, आप जांच करिए कहां से पैसा आया इतना। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप लोगों के कार्यकाल में इन्हीं चीजों पर फोकस किया गया था और वही सारी चीजें अब निकल रही है। देखिए ये इनका पुराना आदत है, ये झूठ बोलना, भ्रमित करना, ऐसे झूठ बोलना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते। जांच करिए पीयूष जैन के पास इतना पैसा कहां से आ गया, किस माध्यम से उन तक इतना पहुंचा, वैसा पहुंचा, क्या हुआ आपकी नोटबंदी का, कैसे इतना रुपया किस बैंक से निकला, क्यों जांच नहीं हो रही है? ये तो छोड़ दीजिए, CDR तक अभी तक सामने नहीं आई, पता तो चले कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे बात करते हैं, कितने नेता पैसा लेते हैं उनसे, ये चीजें सामने आनी चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, अगर सांच को आज क्या, अगर हमारे अंदर कोई खोट होती है, हमारे हमने गलत किया होता तो हम क्यों मांग करते कि आप जांच करिए, उनकी CDR पब्लिक डोमेन में लाइए? हम तो मांग कर रहे हैं, आप लेके आए, पता चल जाएगा किसके लिए वो काम कर रहे थे, किसका पैसा था। ठीक है, ठीक है। बस सत्यजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसपा से। सत्यजीत जी, आज आप लोगों के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ने के लिए नया चुनाव चिन्ह मिल गया है, स्टूल। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि अब आप लोगों के लिए समस्या ये है कि आप लोग किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल जी किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के पीयूष जैन की तरफ जा रही है, क्योंकि आप भी सपा से आपका गठबंधन हो गया, तो ये सवाल आपसे भी बनता है, पहले भी आप लोग सपा के साथ ही रहे हैं। तो ये पीयूष जैन वाला मामला क्या है? बीजेपी क्यों कह रही कि पीयूष जैन का संपर्क आप ही लोग से था, उसका जो भी पैसा है उसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए?
देखिए नितिन जी, सवाल इन्हीं के, जवाब इन्हीं के। सबसे बड़ी बात यह है कि दबिश कहाँ देते हैं, कब देते हैं, एंड टाइम पे देते हैं, जब चुनाव नजदीक आ जाता है, अधिसूचना लागू होने वाली होती है तब ये दबिश देते हैं। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भी इस तरीके का अनर्गल व्यक्ति नहीं होगा जो इतने भारी मात्रा में पैसे का कलेक्शन कर सके। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर नोटबंदी का लाभ देखा जाए या हानि देखी जाए तो नोटबंदी का लाभ कहां मिला? पीयूष जैन पहले क्यों दबिश नहीं दी गई? और दबिश दी गई तो ये कैसे साबित करेंगे कि समाजवादी पार्टी का है या किसी दल का है? ये क्यों नहीं कहते कि इन्होंने अपने ही व्यक्ति को दबिश का शिकार बनाया और अपने ही व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया? जब तक 5 साल तक सत्ता में रहे तब तक उसको बढ़ावा देते रहे, और जब ऐन वक्त आया तो उसी के गिरवान को इन्होंने काट दिया। शाही साहब हंस क्यों रहे हैं आपकी बात पे? ये इसलिए हंस रहे हैं कि सत्य से ये पूरी तरीके से वाकिफ है। अच्छा, हाँ, ये सत्य से पूरी तरीके से वाकिफ है। हमारे यहाँ कहा गया है, तू इधर उधर की बात न बतकर ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं तेरी रह बरी का सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रक्षक है वही भक्षक है, जो रहबर थे, जो रखवाली करने वाले थे, उन्होंने ही लूट लिया। इन्होंने धन की बात की कि हम नोटबंदी करेंगे तो नोटबंदी के बाद कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिससे कि जो है जनता, गरीब जनता के धन को कोई कोई व्यक्ति एकत्र कर सकेगा, इकट्ठा कर सकेगा। तो नोटबंदी का सवाल तो ही फेल हो जाता है। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह, देखिए हमारे चुनाव चिन्ह की जहां तक बात आती है तो हम माननीय शिवपाल सिंह यादव और समाजवाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा है। अच्छा, शिवपाल का ही चेहरा बहुत बड़ा है, उसी चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल तो करेंगे। चेहरे पे चुनाव लड़ना ठीक है, समझ आता है, लेकिन चुनाव चिन्ह भी तो किसी यूज करेंगे ना? ठीक है, ये हमारे नेताओं के, जहां तक बात है इसकी, तो हम बैठ के रणनीति तय कर लेंगे, बात तय कर लेंगे। देखिए हम समाजवादी विचारधारा के हैं और समाजवादी विचारधारा जो है वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए है, जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देने के बाद गांव, गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए हम लोगों ने काम किया है और उसी काम का नतीजा है कि हम सत्ता में बार बार आए हैं। ठीक है, जनता को गुमराह किया जा सकता है, कुछ दिनों तक बरगलाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता नितिन जी, इसमें कोई दौरान नहीं है। ठीक है, सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। सुभाष जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है और आप देख रहे हैं कि लगातार जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उनकी संख्या जो है उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, लेकिन एकाएक पीयूष जैन वाला मामला उठाने लगे हैं राजनीतिक दल। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बोला, गृह मंत्री ने भी बोला और अखिलेश यादव ने भी उस पर काउंटर किया है, आप क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है क्या वो दो खेमों में बट रहा है? क्या बीजेपी और सपा ही इस चुनाव में दिखाई दे रही है? अन्य राजनीतिक दलों के लिए इस चुनाव में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि प्रयास पूरी तरह से यही किया जा रहा है इस माहौल को बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात नितिन जी, मैं बोलना चाहता हूं कि आसानी से निकाल देते हैं दूसरों में, जैसे कि हम नेकियों के बादशाह हैं, अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर हर पार्टी वाले यही बोलते हैं कि सामने वाली पार्टी खराब है। अब आप पीयूष जैन की जो बात कर रहे हैं, पीयूष जैन की बात करने से पहले मैं थोड़ी देर पहले, जैसे कि अश्विनी जी ने बोला था कि 2016 के अंदर समाजवादी जो इत्र था वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक अखिलेश जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने लॉन्च किया था, तो मैं 2016 में तो नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूं हो सकता है कि पीयूष जैन का भाजपा से पहले संपर्क रहा हो, जैसा कि ये लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले, शायद महीना डेढ़ महीने पहले की बात है, यही पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य कार्यालय के अंदर बैठे हुए थे और पम्मी जैन के साथ में थे और तब वहां पे समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था। तब तक तो ये समाजवादी थे, अब ये पता नहीं कहां समाजवादी नहीं रह गए। अच्छा। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि लॉन्च करने के टाइम पे वो समाजवादी थे, अब जब रेट पड़ी तो भाजपा के थे। पिछला क्या था वो नहीं मानो, वर्तमान देखा जाता है। दूसरा, अवतारा जी ने भी बोला और अब्बास जी ने भी बोला कि नोटबंदी, जाहिर सी बात है, ये नोटबंदी होने के बाद में भी अगर 250 करोड़ 200 करोड़ रुपए अगर बरामद हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम का भी फेलियर है, यानी कहीं ना कहीं सरकार भी फेल है। इससे कहीं आप अश्विनी जी भाग नहीं सकते, आपकी सरकार का फेलियर है, ये मैं मानता हूं और आपको ही मानना पड़ेगा, इस चीज को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फेलियर है वो। अगर आपने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी के बाद में भी अगर 200 करोड़ 250 करोड़ उसके पास बरामद होता है तो पैसा कहां से आया? सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के, बिना उसके शामिल हुए, वो कहीं ना कहीं बरामद हुआ है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी देखनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। रही बात कामों के फीता काटने की, तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इन सबका शिलान्यास किया था, अगर जो पत्थर डालने वाली बात आ रही है। अच्छा, तो पत्थर तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने भी किया था, तो क्या वो बोला जाए कि उनके काम थे?
कोई ना कोई सरकार आती है वो शिलान्यास करती है, अगर वो सरकार मतलब रिपीट हो भी इसमें दिया जाए थोड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट अगर देना चाहिए तो उनको भी देना चाहिए, उनको क्यों अपसाइड किए जा रहे हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, शुरुआत उन्होंने भी की थी। मेट्रो की जो उद्घाटन की बात कर रहे हैं उसका शिलान्यास बहुजन समाज पार्टी की सरकार के अंदर हुआ था, अखिलेश जी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब्बास भाई आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। बाद में अखिलेश जी ने वो काम वगैरह चालू किया, उसको पूरा किया, ठीक है, नो डाउट आपने काम किया, विकास के इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर फीता काटने वाले की बात आएगी तो इसके ऊपर सवाल अखिलेश जी के ऊपर उठता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जो काम किए थे उसके फीते भी आप ही ने काटे थे, ठीक है सर। तो एक दूसरे को जिम्मेदार न ठहराए, अपनी गलतियों को भी खोजे ना उसके अंदर, ठीक है ठीक है। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु भाई सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आप लोग कामयाब हो गए मैराथन करवाने में, तो ये मशक्कत इतनी क्यों हुई? दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि अभी की जो चर्चा हुई उस चर्चा से ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है खेमों में बटा हुआ, एक सपा और बीजेपी, आप लोगों का नामो निशान नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि जब बहन प्रियंका गांधी इंचार्ज बनकर आई उत्तर प्रदेश में, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमजोर थी। उसके बाद वो लगातार यहां सकी रह रही, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हुई हो जहां आदिवासियों की हत्या हुई, चाहे हाथरस की घटना हो जहां दलित समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, उसके बाद जो सरकार के जो नुमाइंदे थे वो जो आरोपी लोग थे उनकी तरफ खड़े थे, चाहे सीएनआरसी के बाद की हिंसा की घटना हुई हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हुई हो, लगातार सक्रिय थे। अब उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% टिकटों की बात की, तब से वो हलचल मच गई है पूरे प्रदेश में। उसमें एक उम्मीद जगी है उन महिलाओं के बीच में जो कुछ करना चाहती है, जो घर से बाहर निकलकर काम कर रही है, उसके अलावा जो चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे प्रधानी हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, नगर पालिका, नगर पंचायत जैसे चुनाव हो, मेयर जैसे चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा जैसे चुनाव हो, वो हलचल पैदा कर रही है। उसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं हैं, वो हलचल एक जो पैदा हुई उसका असर ये दिख रहा है कि जो मैराथन में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है मैराथन लड़की हूं लड़ सकती हूं के बैनर तले, उसमें वो लड़कियां हैं, वो बेटियां हैं जो आगे चलकर वोट देंगी, 18 साल की उम्र को प्राप्त करेंगी, तो एक अगली जो जनरेशन है उसके बीच में एक नई उम्मीद पैदा कर रही है कि हम भी क्यों नहीं आगे बढ़ के अपना हक हकूक हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो करवा लिया, जो हलचल है वो उनके बीच में है कि जो भाजपा है, जो आरएसएस जो उनका एक तरीके से मात्र दल है, वो हमेशा से महिला विरोधी बातें करता है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है वो महिला का जो आरक्षण का जो बिल था उसको फाड़ देने का काम करता, तो उनके बीच में ऐसी वो उम्मीद लेकर आई है उन महिलाओं के बीच में। त्यागी जी ये पूछ रहा था, ठीक है ये सही हो गया, अच्छी बात है आप लोगों ने आज मैराथन करवा भी ली। मैं ये पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कहीं ना कहीं जो पीयूष जैन वाला मामला है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश का अब होते जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सपा वाले का है, सपा वाले कह रहे बीजेपी वाले का है, आपको क्या लगता है किसका है? देखिए 2016 में जब नोटबंदी लागू की गई तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, लेकिन अब चुनाव आने वाला है, 2022 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, इतनी भारी संख्या में पैसा पकड़ा जा रहा है रेड में पीयूष जैन के पास से, ये एक पीयूष जैन नहीं है, ऐसे अनेकों पीयूष जैन उत्तर प्रदेश में हर जिले में मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन इस चुनाव में, चुनाव के दौर में वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये इनको पकड़ रहे हैं, सिर्फ चंदे की बात वाला मामला है क्या? और ये चंदे का मामला है, धन उगाही का मामला है, जो इन्हें पैसे देगा वो दो नंबर के काम कर सकता है, जो पैसे नहीं देगा ये उसको पकड़ लेंगे आईटी रेड लगा लेंगे, लग रहा है मैराथन में झांसी में। जी शाही साहब क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ झांसी में मैराथन में प्रियंका गांधी की मैराथन जो कराई थी उसमें मोदी और योगी के नारे लग रहे थे, वो लड़कियां नारे लगा रही थी। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोदी जी की रैली में राहुल जी की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे कुछ लोग लगा देते हैं, इसमें क्या बात होगी? अरे दिक्कत की बात क्यों नहीं भाई, आपके यहाँ लोग आए हुए थे, आपके बीच में कोई एबीवीपी के लोग लड़कियों को भेज देंगे, उनकी शासन है, उनका सत्ता है, ये तो सब लोग समझते हैं, कोई ऐसी बात की नहीं, कोई ठोस बात कीजिए तो हमें सामने भी आए, लड़कियां किनके नारे लगा रही है, ठीक है, लड़के किनके नारे लगा रहे हैं, क्या नारेबाजी से देश चलेगा? ठीक है भाई, हाँ अब्बास कुछ कह रहे थे आप जी।
मैं कुछ अभी जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय थे वो कुछ गलत फैक्ट प्रस्तुत कर रहे थे, मैं उनके फैक्ट सही करना चाहता हूँ। उन पहली बात की लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास मायावती जी की सरकार में हुआ नहीं था, 2013 ने कैबिनेट ने क्लियरेंस दिया और 2014 में अखिलेश जी ने उसका शिलान्यास किया था और सरकार रहते हुए उन्होंने उस काम को पूरा किया। दूसरी बात, अभी अभी ये एक और बात कह रहे थे, बहुत गंभीर बात कह रहे थे ये, ठीक है, ये पहले अपनी चेक के पीयूष जैन जो है समाजवादी कार्यालय में थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप पुष्पराज जैन से कंफ्यूज हो रहे हैं, पुष्पराज जैन और पीयूष जैन एक ही मोहल्ले में रहते हैं और जैन समुदाय से आते हैं, इससे मतलब नहीं हो गया कि जो है आपकी बिरादरी के जो भी व्यक्ति अगर कोई अपराधी है तो आप अपराधी नहीं हो जाएंगे अगर आपका पड़ोसी अपराधी है। तो ये बहुत गलत भ्रामक चीजें हैं, इसको आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात, हम मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सारे सीडीआर सामने आए, पैसा कहाँ किस किस बैंक से आया है, कितने किस कैसे इतनी ज्यादा मात्रा में पैसा निकला है, उन बैंक के कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आता हूँ। सुभाष जी क्या कह रहे हैं? अब्बास जी मैंने पहली बार तो लखनऊ मेट्रो का जिक्र ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ कामों की बात की थी, तो आपने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा, फिर से उसको सुनिएगा। दूसरा, ये जो आप जो जैन साहब की बात बोल रहे हैं, मैं जैन के नाम से कंफ्यूज नहीं हूँ, अखिलेश जी के ट्विटर हैंडल पे होगा, शायद आपके मोबाइल अभी चालू भी होगा, आप उसके ऊपर चेक कर लीजिएगा, 2 महीने पहले का ट्विटर शायद वो, शायद आपको भी करेक्शन मिल जाए। उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज आप मुझे बता रहे हो पहले आप उसको भी चेक कर लीजिए ना, मैं फैक्ट को चेक करने के बाद ही बोल रहा हूँ, बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहा हूँ। और रही बात नोटबंदी वाली, उसके ऊपर तो मैंने अश्विनी जी से सवाल किया था, बता रहा हूँ आपको। और अखिलेश कोई हमारा पीयूष जैन किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं रहते, जो उनके लोगों ने बताया है वहां पे जो जांच हुई है और उन्होंने किसके लिए ऐड दिया है क्या दिया है सबको पता। अब जब आप बोल रहे हो कि किसी राजनीतिक गतिविधियों में नहीं रहते पीयूष जैन, एक तरफ उसका बचाव कर रहे हो आप, दूसरी तरफ भाजपा का आदमी बता रहे हो। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, अभी आप जस्ट आप ही ने बोला कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहते, और जब शामिल ही नहीं रहते फिर भाजपा को उन्होंने ऐड कैसे दे दिया? नहीं नहीं, अब्बास जी सही कह रहे हैं, अब्बास जी सही कह रहे हैं। इनका कहना यह है कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहते, चंदा चुटकी देने काम करते हैं और चंदा चुटकी भारतीय जनता पार्टी को देते थे, और चंदा चुटकी देना जब भारतीय जनता पार्टी को बंद कर दिए तो उनके यहाँ छापा पड़ गया, और पुष्पराज जैन की जगह पे उन्होंने अपने ही आदमी के यहाँ छापा डलवाया। गठबंधन का जोर यहाँ दिख रहा है, पम्मी जैन, सुभाष जी पम्मी जैन थे साथ और पुष्पराज जैन थे। दरअसल आपने जब वो समय की बात की उसमें दोनों लोग थे जो है, ना कि गठबंधन का ओम प्रकाश राजभर जी क्लीन चिट दे रहे हैं, तो यहाँ तो कांग्रेस और वो सपा। अच्छा क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है भाई साहब, अगर गठबंधन हो गया है हम समाजवादी विचारधारा के लोग, इसमें दिक्कत क्या है? हम तो हमेशा समाजवादी विचारधारा के लोग थे जो है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा आप गठबंधन नहीं करते हैं, आपका कई दलों से गठबंधन नहीं है, आप तो दो दो दर्जन तीन तीन दर्जन गठबंधन करते हैं, गठबंधन के सही माहिर आप माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है पूरे गठबंधन की सरकार चलाई, आज भी आप गठबंधन सरकार चला रहे हो, तो गठबंधन करना बुरी बात नहीं है, एक ही विचारधारा के लोग अगर गठबंधन करते हैं तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप भी गठबंधन करते हो, हम भी अपनी विचारधारा से मिलते हुए लोगों को गठबंधन करते हैं, ठीक है ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है? शाही जी के पास चलेंगे, फिर सुभाष भाई आपके पास आते हैं। जी शाही जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी सुभाष जी ने जो कहा बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, हमारे ऊपर भी सवाल उठाए और सबके ऊपर सवाल उठाए। यमुना एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करना बनवाना किसने किया और फीता लेकर अखिलेश जी क्या करते, कैंची लेकर कैसे पहुंच गए थे वहां, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, 2016 में जो 5000 सीसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लॉन्च की गई और उसमें ये कहा गया कि ये बड़े नेताओं को मंत्रियों को मिलेगा और अधिकारियों को मिलेगा, आम जनता को नहीं मिलेगा, ये वहां पर पुष्पराज जैन और दोनों लोग थे, तो उसमें समाजवादी इत्र उनका बनाए संबंध है। पीयूष जैन तो नहीं था ना, पीयूष जैन तो नहीं था, हंसने की बात है, दोनों लोग पीयूष जैन था। अश्विनी जी आप बताइए पीयूष जैन था? दोनों लोग थे भैया, पुष्पराज जैन थे ना कि पीयूष जैन थे? आप करेक्ट हो, आपके पम्मी जैन थे, पुष्पराज जैन थे ना कि पीयूष जैन थे? आप करेक्ट कीजिए भाई, क्यों इतना आंदोलित हो रहा है? मैं तो शांत रहा, आप आंदोलित हम हो रहे हैं कि आंदोलित आप? गलत तथ्य नहीं, मैंने कहा कि असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गलत जानकारी आती है उसको, ये क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दूसरा और सुन लीजिए, प्रसपा की जहां तक बात है, अभी देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ने भी एक कल बयान दिया था नितिन जी,
कि पीयूष जैन से कोई संबंध नहीं है। कितने दिन हुआ गए हुए उनको, वो पीयूष जैन को कैसे जानते हैं, संबंध को कैसे जानते हैं, कहां कहां से बयान दिलवाए जा रहे हैं। उसके बाद मैं कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले छापे पड़े थे तीन नेताओं के यहां, राजीव राय, मनोज यादव और एक जगह और, तीन जगह छापे पड़े थे जी। सबसे पहला बयान किसका आता है? माननीय अखिलेश जी का, कि वहां पर ईडी भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, उनको पता था कि क्या होना है। उसके बाद रामगोपाल जी का बयान आता है कि कुछ नहीं मिला वहां, तो 17,000 रुपए मिले, चलिए भाई वो भी मान लेते हैं। क्या कुछ मिला था क्या? मनोज यादव ने 68 करोड़ रुपए स्वीकार किया कि हमारे घर में मिला है और हम उस पर पेनल्टी देना चाहते हैं, जबकि आयकर अधिकारियों ने कहा कि 86 करोड़ रुपए है। अच्छा, तो ये पैसे किसके हैं भाई, कहां मिल रहे हैं? आप जोड़ लीजिए तार एक दूसरे से। अच्छा सुनिए, आपका फेल है, खड़ा कर कह रहे हैं ये पैसा कैसे कलेक्ट हो जा रहा है, पैसा कैसे इकट्ठा हो जा रहा है, क्या आपका तंत्र फेल है? आपके आपका तंत्र फेल है, मिल रहा है, सरकार जो है असमर्थ हो चुकी है, काम कर रही है सरकार नोटबंदी के बाद असमर्थ हो चुकी है। एक मिनट, एक मिनट, अब्बास कुछ कह रहे हैं, अब्बास कुछ कह रहे हैं आप, और अधिकारी उसका काम कर रहे हैं। शाही साहब, शाही जी, शाही जी, शाही साहब, अब्बास कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि अगर व्हाट्सएप से मिली जानकारी के आधार पर डिबेट होगी तो मैं इसका क्या जवाब दे पाऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो छापे पड़े, आपने डर के छापे डाले, आप तो उसमें क्या मिला आप बता दें मुझे। पूरा आपने जो है अपने तंत्र का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे कोई यूनिवर्सिटी पे आपकी जानकारी आ रही है, उसको आप सच मान रहे हैं, तो कृपया उसको आप पहले उसकी जांच करें, फिर आप उसे डिबेट में बोलें। नहीं, वो कह रहे हैं 68 करोड़ रुपया मिला है और एक्सेप्ट किया है। आपको मिला कहां? मिला मनोज यादव ने, कहां मिला है ऐसी कोई जानकारी? जनता में, पब्लिक में तो नहीं आई है, तो हो सकता है आपको मिला हो, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। नितिन जी, प्रेस रिलीज है, नितिन जी मैं आपको अभी तुरंत भेजता हूँ जी, भेज दीजिए आप। व्हाट्सएप पे आया होगा शायद, वो कौन सा साधना या क्या करके नाम है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है और आपने देखा भी होगा, कई मीडिया उसमें चला है। कैसी बेबुनियाद बातें आप कर रहे हैं, समाजवादी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ नहीं मिला ना कुछ मिलेगा आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं के, अगर आपको मिलेगा तो जनता ने मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये धन और बल पे राजनीति करना आपकी पार्टी की परिपाटी, आपको ही बधाई हो, आपको ही मुबारक हो। आप इसकी राजनीति करें, हम लोग जनता के बीच जा करके उनके काम पे विश्वास रखते हैं, उनकी उनके लिए काम करते हैं। नितिन जी, जी नितिन जी, मैं आपका ये पढ़ के सुना रहा हूं, एक मिनट मुझे एक मिनट का समय दीजिए। 68 करोड़ रुपए बरामद हुआ है नितिन जी, कहीं कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए। नहीं तो अब्बास मान नहीं रहे ना, वो कह रहे नहीं है, सत्यजीत जी भी नहीं मान रहे। बताइए ना, अब भाई देखिए, अब ये नहीं मान रहे हैं, चलिए समय निकल गया आपका, तो भाई अब प्रमाण इतनी देर में पेश करेंगे, तब तक तो गाड़ी लाइए दीजिए, एक मिनट हो गया भैया, हो गया हो गया हो गया, अश्वनी जी हो गया आप, चलिए नितिन जी आगे बढ़ाइए। नितिन जी इनको ढूंढने दीजिए, सरकार चली जाएगी उसके बाद ढूंढ के बताएंगे। ये लीजिए नितिन जी, नितिन जी ले आए शाही साहब, मिल गया। ये लिखा हुआ है, ये जारी किया है किसने? सुरभि आहलूवालिया ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मीडिया एंड टेक्निकल पॉलिसी, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन CBDT। ये जारी किया गया है 21 दिसंबर को। इसमें लिखा हुआ है कि कंसर्न हैज एडमिटेड टू सम ऑफ ₹68 करोड़ एज हिज अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड ऑफर टू पे टैक्स देयर ऑन। ये देखिए, ये मेरे पास है, ये देखिए, ये जी दिख रहा है, दे रहा हूं जी, ठीक, और मैं आपको भेज भी दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इन लोगों को पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप बस आप क्या कहेंगे, उन्होंने प्रेस रिलीज भी बता दी, दिखा दी। देखिए, ये पहली बात, मैं ये 68 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये मुझे पता है। इस पे क्या आपके पास जो संबंधित व्यक्ति है उससे कोई आपने रिसीविंग मिली है? क्या अघोषित संपत्तियां, इसकी जानकारी कहाँ है? ये एक प्रेस रिलीज, जिसको आप भ्रामक प्रेस रिलीज को आप छाया करा करके उसको आप बता रहे हैं, तो हमें ऐसी उस पर विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ किसी प्रकार की कोई अघोषित संपत्ति या कोई काला धन नहीं मिला जी। काला धन की बात है, क्या काला धन मिला आप बताइए। ठीक है,
सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा असेसमेंट है, ये मैं बता दूं आपको, ये जो कह रही है इनकम टैक्स जो आपने अधिकारी भेजे थे उनका असेसमेंट है, लेकिन कोई काला धन नहीं मिला कि इतनी संपत्ति इनके पास हो सकती है, ये उनका असेसमेंट है जिसके आधार पे उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है, लेकिन कोई उन्होंने काला धन नहीं बरामद हुआ, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये अखिलेश जी ने आज ऐसा क्यों कहा है कि कोई भी सांड से अगर घायल होगा तो उसे मुआवजा देंगे, सांड वाला क्या मामला है, इसके बारे में भी जरा कुछ बता दीजिए जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, अगर आप देखते हैं कि साइकिल से सवार लोगों को कई बार जो है एक्सीडेंट और कोहरे में उनकी मौत हो जाती है, उनको मुआवजा देंगे, और सांड से जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है वो सांड से है। आज किसानों को अपने खेतों में सोना पड़ रहा है छुट्टा जानवरों की वजह से, तो अगर सांड से जो लोगों की मौत हो रही है सांड के हमले से, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार आती है तो हम उनको 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, तो मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है। ठीक है, ठीक है, सुभाष जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सवाल आपके इसी से। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से अखिलेश जी से कि सांड से मृत्यु होने पर और साइकिल से घायल होने पर मुआवजा क्यों? इस तरह से कायदे से भैंस अगर मार दे तो, या मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए तो, सिर्फ सांड और साइकिल ही क्यों? आपको शायद जानकारी नहीं है कि मोटरसाइकिल के अगर एक्सीडेंट होगा तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी देगी मुआवजा, लेकिन अगर साइकिल से किसी का और सांड वाले में जी सांड वाले में और अगर अगर सांड या साइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है थर्ड पार्टी, तो कैसे मुआवजा मिलेगा? ऐसी आप मुझे लगता है बेबुनियाद सवाल पूछ रहे हैं। आपके नेता ने बोला है ना कि साइकिल की दुर्घटना पे आपने लॉजिक दे दिया, मोटरसाइकिल पे आपने लॉजिक दे दिया, अब सांड पे जब आप मुआवजा दे रहे हो तो भैंस ने अगर मार दिया तो, अगर वो मर गया तो सांड मारती है कि भैंस? मुझे लगता है शायद आपका गांव से कभी कोई नहीं, मतलब नहीं रहा है, तभी आप बिल्कुल किसान में सांड से लोगों की मौत होती है कि भैंस से होती है? भैंसा नहीं मारता है, भैंसा नहीं मारता है, कितने मरियल भैंस आपको गांव में जो मारते हैं, मरकहा बोलते हैं हमारे देहात पूर्वांचल के अंदर, ऐसे भैंसा है जो होता है, भैंस नहीं होती, भैंसा होता है, तब आप फिर आपको पता नहीं, फिर आप गांव से नहीं जुड़े। अरे ये सांड बोल के कुछ और बताना चाह रहे थे भाई, फिर आप गांव से नहीं जुड़े हुए, फिर आपको पता नहीं भैंसा होता है। देखिए देखिए सुभाष जी, नहीं भैंसा तो सिर्फ उनके यहां होता है। दरअसल अखिलेश जी का कथन ये था, अखिलेश जी का कथन ये था, अवतारा जी अवतारा जी, एक मिनट, ये सवाल का जवाब देखिए अब्बास जी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने ही बोली बात, वही जवाब ठीक है, कोई जरूरी नहीं है जवाब वहां से आए, जवाब मुआवजा है तो भैंसा के मारने से मुआवजा क्यों नहीं देंगे? अखिलेश बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, अगर मिलेगा तो अखिलेश को बोलिए उसके ऊपर बयान जारी करेगी, भैंसा मारने में मिलेगा करेगी, उसमें क्या है, सरकार तय करेगी वो, तो आप उसको जो है शब्दों को आप पकड़ के उसको ऐसे करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं। सर शब्दों की जादूगरी चुनाव के अंदर होती है, आप भी शब्दों की जादूगरी कर रहे हैं, सारी पीछे पार्टियां भी कर रही हैं, मैं कोई अलग नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, जनता की भावनाओं के साथ खड़े हैं, उनकी समस्याओं के साथ खड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनके साथ खड़े हैं। जस्ट स्टॉप इट, लिसन टू मी, आप ही के नेताजी ने बोला है कि साइकिल से दुर्घटना होने पर, यू शुड आल्सो लिसन टू मी, आप एक तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, आप मेरे सवाल को जवाब दीजिए, मैंने आपके सवाल काउंटर ही किया है, मैंने अलग से अपना कोई सवाल आपके सामने पेश नहीं किया है, मेरा तो छोटा सवाल, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते अगर सांड मारने पर आपकी सरकार मुआवजा देगी सरकार आने पर, तो भैंसा के मारने पर मुआवजा देगी कि नहीं? अगर मुआवजा देगी आपकी सरकार, अखिलेश जी को बोलिए वो भी बात बोलने के लिए। वो भाई हमारा घोषणा पत्र तो अभी आया नहीं है, अभी एक 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 उन्होंने पॉइंट रखा, घोषणा पत्र आएगा सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारा घोषणा पत्र जनता की जो भावनाएं है उनके अनुकूल आएगा, आप उसकी चिंता मत करें। नहीं, आप मेरे जवाब को गोल कर गए, आप मेरे जवाब को गोल कर गए, बिल्कुल गोल नहीं किया, मैं कह चुका हूं जो भैंसे थी उसको पुलिस ढूंढती थी, तो भैंस से तो उनको डर नहीं है, उनकी तो भैंस पुलिस ढूंढ के ले आएगी, अच्छा भैंस नहीं मारेगा, भैंस वाला नहीं आएगा मैनिफेस्टो, भैंस वाला मैनिफेस्टो में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए मैनिफेस्टो जनता की भावनाओं के अनुकूल आएगा पूर्ण रूप से, इस पे आप निश्चिंत रहें, आप चिंता मत करें, और जो आपने मुझे एक सवाल पूछा था ऐसा, उसका मैंने आपको लॉजिकल आंसर दे दिया। ठीक है, सत्यजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सत्यजीत नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुभाष जी जो प्रश्न कर रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश की मनोदशा जो स्थिति है, जो 24 करोड़ की आबादी है वो सांड से त्रस्त है, पस्त है, गांव में आप जाएं, जैसा कि अभी आपके सुभाष भाई ने कहा, मैं बता रहा हूं देखिए योगी जी के छुट्टा सांड पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, गांव गरीब अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज के बीच में चले जाएं, वहां
योगी जी का छुट्टा सांड, अगर आप सांड को सड़क पर देख लेंगे तो लोगों के मुंह से निकल आता है कि भाई ये तो योगी जी के छुट्टा सांड है घूम रहे हैं। तो उनको एक धोतक के रूप में प्रयोग करना था कि सांड से पूरी आबादी त्रस्त है, सांड से पूरी आबादी पस्त है, और सांड से आबादी ही नहीं पस्त है, भारतीय जनता पार्टी के द्वयम तृतीय चतुर्थ पंचम लाइन के नेता भी त्रस्त हैं। अच्छा। वो इतने त्रस्त हैं कि सांड की कहानी सुनते सुनते वो थक चुके हैं। तो उसी चीज को माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि जनता जिस शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उस परेशानी को जनता जनता की किसी परेशानी को बयां किया। काउंटर क्वेश्चन जोड़ना है बस, अभी हमारे बोल दीजिए मैं उत्तर दे दूंगा आपको। गठबंधन वाले लोग हैं। हाँ शाही साहब, मेरा ये कहना है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहां पर एक कोई गायों को सांडों को उससे बांधा नहीं जाता है, और आज से नहीं बहुत पहले से वहां एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत ज्यादा, सड़कों पर ही गाय रहती हैं, सांड रहते हैं, सब सड़कों पर बैठे रहते हैं। क्या वहां के लोग मरने वाले लोगों के लिए भी कोई योजना बनाएंगे या कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब सारी योजना टेलीविजन पे ही बनवा लेंगे आप, जिस योजना को हम बता रहे हैं उस पर बहस कर रहे हैं, नहीं और दूसरी योजना आप बनाने के लिए कह रहे हैं, मतलब इस समय सांड पे भी आपने क्या किया? मतलब आप जो है जात धर्म की राजनीति करने के बाद अब सांड की राजनीति करेंगे? आप देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है, इस पर बातचीत कीजिए। 24 करोड़ की आबादी कैसे बात करते, क्या बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है अश्वनी जी? तो आप प्रदेश की बात कीजिए, आप एक क्षेत्र की बात कीजिए, बुंदेलखंड की बात कीजिए, और बताइए कि क्या 5 साल कौन सा गलत कर दिया, सही ढंग से चलाया, क्या मिल रहा है आप बताइए? खाद बिजली पानी का इंतजाम आप करते तब तो मैं कहता कि बहुत अच्छा था, जनता परेशान जाती नहीं है भाई, आपके समय में आती नहीं थी। अच्छा, बीज मिल रहा खेतों में, बुंदेलखंड के घर घर में पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, किसानों को पानी मिल रहा है, खाद किसानों को मिल रहा है, है? आप एक बात बताइए सुनी जी, किस दुनिया में जी रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है बड़ा नहर बनवा दिया गया, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 पर है, चालू करा दिया उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 कैसे है आप बताइए? अरे कहाँ है प्रभु, एनसीआरबी की रिपोर्ट से लंबित सर्जुनार को चालू हमने करा दिया, मेरी रिपोर्ट आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उसमें मंत्रालय की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है वो। अब एनसीआरबी पर चले गए, हम जब आपका जवाब दे रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे भाई, एकदम जो है वो दूसरे वाले प्राणी हो गए हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु आपकी सरकार है, अभिमन्यु त्यागी बहुत देर से शांत है, उनसे कुछ पूछते हैं, कलयुग बताएंगे, सतयुग ही आप ही हैं बस। ठीक है सतयुग, सब कलयुग ही हैं, क्या बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है अभिमन्यु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का मतलब नहीं हुआ कि सबको कलयुगी बना दो, आप जो है सबको रावण बनाओ, सबको कलयुगी बनाओ, सबको बताओ कि ये देश भाई है, जो सवाल आप कर रहे हो उसका पूछ के दूसरे तरफ भाग जा रहे हो, उसका जवाब कुछ नहीं दे रहे हो। ठीक है प्लीज, ये केवल आप हैं बस। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात करते हैं सुनी जी। ठीक है ये बौखलाहट देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, गठबंधन वाले लोगों की कम से कम ऐसा तो ना कहिए, जनता सतयुगी और पूरी जनता कलयुगी है, क्या बात करते हैं आप जो है 24 करोड़ की आबादी कलयुगी है? अरे जनता के ऊपर ऐसी बात आपको नहीं कह रहे, आप 24 करोड़ की प्रतिनिधि तो नहीं है भाई, भाई आप कह रहे हैं 24 करोड़, 24 करोड़ के प्रतिनिधि नहीं है, 24 करोड़ की जनता कल चुकी है, आप तो कह रहे हैं 24 करोड़ के प्रतिनिधि नहीं रहे, केवल आप सतयुगी हैं बस, बाकी 24 करोड़ के प्रतिनिधि इस समय जो है योगी जी हैं, आप भर चुके हैं, बाकी सभी लोग कलयुगी नहीं है, आप बाकी सभी लोग कलयुगी हैं, 24 करोड़ के प्रतिनिधि मतलब जितने लोग हैं कलयुगी हैं, आप ही सतयुगी हैं। ठीक है प्लीज, हो गया हो गया हो गया, अभिमन्यु त्यागी कुछ कहना चाहेंगे आप? आम जनता का जो पैसा था, जो उनकी मेहनत का पैसा था, टैक्स का पैसा था, वो लूटा गया है, वो अब सामने आ रहा है, नोटबंदी का हाल सामने आ रहा है, किस तरह से नोटबंदी फ्लॉप रही है जनता की नजर में। अब चूंकि चुनाव है, चुनाव के समय ये रेड भी इसलिए डाली गई है कि उन लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके जो उनको पैसा नहीं दे रहा। अब ये जांच का विषय है कि वो लोग भाजपा के हैं या सपा के, क्योंकि उस दौरान उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। अगर ये सपा के लोग भी हैं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, आपको क्या लगता है किसके लोग हैं? आपको क्या लगता है? अलावा केंद्र में जब मोदी जी की सरकार थी, नहीं आपको क्या लगता है किसके लोग हो सकते हैं ये? तो ये दोनों के लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, सपा वालों के, झंडे का इनका झगड़ा हो रहा होगा इस समय में, क्योंकि काला बाजारी
हावी है सरकार में, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बेचा जा रहा है। देखिए चारों ओर कितने ब्लैकमेलर हावी हैं, जो कोरोना काल में जिस तरह से जो थके से थका नर्सिंग होम था उसका एक बेड 50,000 रुपए दिन के हिसाब से इलाज किया गया, 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2,500 रुपए में बेचा गया, किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, 300-400 करोड़ क्या हंसी मजाक का खेल है, ये कहां से पैसा आया हुआ है। आप एक गाड़ी से निकलेंगे, दो गाड़ी से निकलेंगे, इन लोगों की बाहर विदेश तक में संपत्तियां हैं, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये हर जिले में ऐसे लोग हैं। ठीक है, सरकार की नाक के नीचे ऐसे लोग कैसे पनप पाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के 30 से 40 किलोमीटर, मैंने पूछा अरे अभिमन्यु भाई, अभिमन्यु भाई मैंने पूछा यही सवाल कि पैसा कहाँ से आया, किसका है, तो ये लोग कुछ सांड और भैंस पे चले आए। ये क्या है कि सांड भैंस, ये बचकानी बातें हैं सांड भैंस की। मुद्दा है गरीबी का, रोजगारी का। इस समय रोजगार चाहिए नौजवानों को। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अत्याचार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, 11,900 मामले हर साल के हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले 60,000 मामले साल के हैं। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 50% जो असला पकड़ा जाता है ₹4.5 में बेच रहे हैं। ठीक है, चारों ओर महंगाई है, ठीक है, दुकानों की GST ले रहे हैं, व्यापार चौपट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है, त्यागी जी समय कम है। ठीक है, ठीक है, गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिल रहा इनके सरकार में, 14,000 करोड़ का भी बकाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज। अरे भाई आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, शाही साहब मैं आ रहा हूँ, शाही साहब मैं आ रहा हूँ, सुभाष जी के पास चलेंगे, उसके बाद आप लेके बैठे होंगे। हाँ, लेकिन मैं खुद गन्ना किसान हूँ, मेरे गन्ने का बकाया नहीं मिला, आप दिला क्यों नहीं देते। चलिए ठीक है, चुनाव का समय है। ठीक ठीक है, ठीक है, त्यागी जी, सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे थे। अभिमन्यु जी मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने अभी बोल दिया कि उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र कर दिया, मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सारी घटनाओं के ऊपर आप लोग बहुत ही बारीक से नजर रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछूं कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, पंजाब में क्यों मजबूर है भैया, राजस्थान के अंदर दलित लड़की को पीट पीट के मार दिया गया, आप राजस्थान में क्यों मजबूर है भैया, मतलब जहाँ कांग्रेस शासित राज्य वहाँ पे आप मजबूर है, बाकी दूसरे राज्यों में लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार 46% बढ़ा हुआ है, आपकी जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ आप इस मुद्दे को क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं, किया जा सकता है, आपकी जहाँ सरकार बराबरी का अधिकार कब तक नहीं दिया जाएगा, आप एक बात मन्नू जी, अगर पंजाब में इस तरीके की घटनाएं हैं, राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हैं, कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हैं, तो वो निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बात कहना चाहते हैं उनको, आप स्वीकार तो कर रहे हैं ना, आप देखिए राजनीति से इतर बात कीजिए, अभी अभिमन्यु जी 40% 50% की नहीं है, अभिमन्यु जी सुन तो लीजिए, अभी आपने बोला निंदनीय है, आपने निंदा तो कर दी ना, तो वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि वो घटना हुआ अगर निंदनीय है तो वहाँ पे लड़कियों से लड़ सकती हो, तो वो स्लोगन वहाँ क्यों नहीं चल रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हो तो नहीं चल रहा है क्या। बहुत सिंपल बात है, वो वहाँ का चुनावी मुद्दा नहीं था। अच्छा, आप यहाँ चुनावी मुद्दा है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, यानी आप उत्तर प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश में, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं। अरे आप ये कौन सा बचकाना बयान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बोली दिख रही है आपको, चुनावी मुद्दा लेके बैठे हो, ये कौन सा बयान दे रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है क्या, ये क्या बयान दे दिया आपने, आपको अपनी पार्टी की बात पिटवा दी, चुनाव को पार्टी ठीक है, शाही साहब कुछ कह लिए, गले में बैठे हुए अपन त्यागी जी, गले में बैठे हुए धन्यवाद, और चुनाव पर के तौर पे मनाए जाते हैं, लड़की है लड़ सकते हैं, धन्यवाद, चुनाव पर के तौर पे मनाए जाते हैं, लड़कियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्या, मंत्री महिला है इनकी, आप क्यों नहीं देखते अधिकार देना चाहते हैं, आप किस दल के, ठाकुर पर आपने पूछ ही लिया, ठाकुर पर आपका मंत्री आयोग सामने आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, और चुनाव को देखते हुए लगातार जो रस्साकशी का माहौल है, जो तापमान बढ़ाने का माहौल है, वो चल रहा है, और राजनीतिक दलों की तरफ से अब बयानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि सामने वाले ने क्या बोला और उसका काउंटर क्या बनता है। इसके अलावा जो शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम है उन पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और उसका क्रेडिट लेना ये कोई भी राजनीतिक दल भूल नहीं रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा जमीनी मुद्दे हैं उन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है, ताकि उत्तर प्रदेश का रोजगार का जो स्तर है वो बढ़े, गरीबी का जो स्तर है वो कम होए, और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ चले, और ये तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में एक बेहतर विकास की सरकार आएगी, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक विपक्षी दल जो कि जनता के हित का काम करे। आज की डिबेट में इतना ही, जनमति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।